हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखा था, और इसी में आपको हमने उसके कंटिन्यूशन में एक होमवर्क भी दिया था, और पेज नंबर 21 पे आए हो आप लोगों ने वो होमवर्क भी कर लिया होगा। लेट्स सी कितने लोगों ने वो सही किया है। देखिए, पेज नंबर 21 पर ये होमवर्क दिया था आपने, वो आई होप इसी तरह से कंप्लीट किया होगा। जिनका भी इस तरह से हुआ है, उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, नेक्स्ट पेज पर भी हमने आपको जो होमवर्क दिया था, ये आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। चेक कर लीजिएगा इसको। अब हमारा नया वीडियो इस नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22 पर है, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। हमें नंबर्स बनाने हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स, लेकिन उनमें नंबर रिपीट नहीं होगा, दैट इज विदाउट रिपीटेशन। सी, द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, वी कैन फॉर्म द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बाय अरेंजिंग द नंबर्स इन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर 6, 8, 1 एंड वी नीड टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम दीज नंबर्स। ओके, सो वी फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। द नंबर विच इज द लार्जेस्ट, सो लार्जेस्ट नंबर 8, देन विच इज ग्रेटर देन 6, विच इज ग्रेटर देन 1, 1 is the smallest one. So, in descending order, this is 861. So, we have the largest 3-digit number from these numbers without repetition is 861. At 8 at 100th place, 6 at 10th place, and 1 at 1st place. So, 861 is the greatest or the largest possible 3-digit number made by using the digits 6, 8 and 1. Okay, students. Now, smallest or lowest number. We can form the smallest or lowest number by arranging the numbers in increasing or ascending order. For example, if we have to form the smallest 3-digit number using the same 6, 8 and 1, we will arrange them in the ascending order first. How? The 1 is the smallest one, 6, and then 8 is the largest one. So in ascending order, so we get at the 1's place 8, 10th place 6, and 100th place at 1. So thus the 168 is the smallest or lowest possible 3-digit number made by using the digits 6, 8, and 1. Let us look at another example in which one of the digit is 0. हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारी एक डिजिट क्या होगी, सबसे स्मॉल दैट इज जीरो होगी। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल, टेक द डिजिट्स 7, 0 एंड 3। अरेंज द डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। सो 0 इज लेस देन 3 इज लेस देन 7। सो बट 0 कांट बी प्लेस्ड एट फर्स्ट डिजिट बिकॉज 0 हैज नो वैल्यू इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नंबर। ओके, यानी अगर हमने ये नंबर लिख लिया 037, तो ये क्या कहलाएगा? अल्टीमेटली 2-डिजिट नंबर। सो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट अब इसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नंबर होगा 3-डिजिट नंबर वो क्या कहलाएगा? 307। सी, सो टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, वी यूज द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर दैट इज 3 इन द 100th प्लेस। सिंस 3 इज द स्मॉलर देन 7, we put 0 in 10th place and 7 in the 1's place. Turn the page. See, this is 100, 10th and 1's, 307. Thus, 307 is the smallest or lowest possible 3-digit number made by using the digits 7, 0 and 3. Okay, students, I hope आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि हम किसी भी नंबर्स को 3-डिजिट नंबर्स में स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट दोनों बना सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, एंड विदाउट रिपीटेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स गिवन बिलो। अब आपको जैसे यहाँ डिजिट्स दी हुई है 4, 2 एंड 8, इससे आपको जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ प्लेस करना है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा इन डिजिट से वो यहाँ पर प्लेस करना है। तो इसी तरह इनसे 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 आपको ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स विथ रिपीटेशन, और ये होमवर्क आप कंप्लीट करके रखिएगा। बाय।